गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं को पिंक ऑटो रिक्शा भेंट। आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सोमवार को जनपद बहराइच में आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 5 महिलाओं को पिंक ऑटो रिक्शा भेंट किया गया। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल एवं डीएम मोनिका रानी ने गरीब तबके की 5 महिला को बैटरी चलित ऑटो रिक्शा देकर परिवार को सुदृढ़ बनाने का संकल्प भी दिलाया। रिक्शा पाने के बाद महिलाओं के चेहरे पर बेहद प्रसन्नता झलकती दिखाई पड़ी। रिक्शा चालक महिलाओं ने कहा कि अब वो परिवार की हर जरूरत को पूरा करने में पीछे नहीं रहेंगी। वहीं सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, जो मोदी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर परिकल्पना की है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आज 5 रिक्शे ऐसे निकले हैं, लेकिन ये सिलसिला यही थमने वाला नहीं है, अभी और इस कतार में जुड़ने वाले हैं, तैयारियां पूरी हैं। आज 5 रिक्शों को निकाल के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे। अभी मैं देख कर आई हूँ, यहाँ पर एक कैंटीन भी इस प्रांगण में, कलेक्ट्रेट प्रांगण में खुली है, वो भी महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी को मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये कहते हुए सुना था कि मुद्दा अब वीमेन डेवलपमेंट का नहीं है, इस सहस्राब्दी में महिलाओं ने इतनी उपलब्धियां अर्जित की हैं कि मुद्दा अब वीमेन डेवलपमेंट का ना होकर वीमेन लेड डेवलपमेंट का हो गया है। यानी महिलाओं का विकास तो हो चुका है, अब महिलाओं के द्वारा कैसे समाज का विकास हो वो मुद्दा है। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत ही सशक्त और बहुत सफल और बहुत सराहनीय आज दृश्य हमें यहाँ देखने को मिला है। इस कार्यक्रम में लगे सभी को बधाई, आप सबको भी आज 2 अक्टूबर की बहुत बहुत बधाई। महिलाएं बड़ी परेशान रहती थी, कोई ऐसी महिलाएं होती थी जो परित्यक्त होती थी और जिनके सामने आजीविका चलाने का बहुत बड़ा संकट होता था। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो पीओ डूडा के माध्यम से, जो उन लोगों को इकट्ठा किया गया, उन्हें एआरटीओ के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई गई और इसके साथ साथ उनके लाइसेंस स्वीकृत कराए गए। जो हमारे एलडीएम साहब हैं उनके माध्यम से उनका लोन कराया गया और एक पिंक ऑटो की अवधारणा की गई, क्योंकि अक्सर ऑटो में देखा जाता था बैठने वाली महिलाएं होती थी लेकिन चलाने वाले जो है वो अधिकतर पुरुष होते थे। तो इसी प्रकार की एक समन्वित प्रयास किया गया कि जहां पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में महिलाएं हैं उनको वो अपनी आजीविका कमा सकें, उन्हें ट्रेंड किया गया, जो हमारे शासन की योजनाएं हैं उनसे उनको समन्वित किया गया, जिसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने पूरा आज सहयोग दिया, उन्हें हरी झंडी दिखाई, ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया गया। तो मैं अपनी पूरी टीम जो जनपद बहराइच की है उसे बहुत बहुत बधाई देती हूँ, स्पेशली एलडीएम साहब और सिटी मैजिस्ट्रेट और जो हमारे डूडा की टीम है उनको विशेष रूप से बधाई देती हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया। और मुझे आशा है कि अभी और महिलाएँ जो हैं वो ऐसी निकलेंगी जो कि इस अवधारणा को तोड़ेंगे कि ऑटो जो है वो पुरुष ही चला सकते हैं, महिलाएँ। कितने लोगों के आज जो है इसकी शुरुआत की गई 5 ऑटो से, और ये जो है जिस जो जो महिलाएं इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगी तो उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। मेघा, मेघा आज आप रिक्शा चलाने जा रही हैं, कैसा लग रहा है आप? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20-60% तक की छूट, जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ। 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20-60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ, तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मन पसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होलीगेट मथुरा।